हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज बनाने वाले हैं लेबनिन तबूला सलाद। बहुत ज़बरदस्त सलाद है ये। और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, यानी कि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं सलाद बनाना। यहाँ पे मैंने पोमोग्रेनेट सीड्स लिया है, यानी कि अनारदाने। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये अनारदाने हैं और ये वालनट। और यहाँ पे एक टमाटर और एक लेमन और ये बुरगल और ये ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल और ये सॉल्ट और ये पार्सली। ये पूरा आइटम यहाँ पे लिए हैं सलाद के लिए। बेहतरीन सलाद बनने वाला है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। सबसे पहले यहाँ पे पार्सली को धोना है। यहाँ पे दो पानी से अच्छा साफ कर लेना है। मैंने यहाँ पे एक पानी से अभी धो रहा हूँ, तो के एक छन्नी में ऐड करना है, उसका पानी पूरा जाना निकलना है। फिर से मैंने यहाँ पे और एक बार पानी ऐड करके धो रहा हूँ, क्योंकि इसमें रेती वगैरह रहता है, तो इसलिए इसको अच्छा दो बार पानी से साफ कर लेना है। साफ कर लेने के बाद में इसको कटिंग बोर्ड में चॉपिंग करना है, यानी कि नाइस कट करना है। यहाँ पे मैं नाइस कट करूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पे इसको नाइस कट कर रहा हूँ। इसको नाइस कट कर लेने के बाद में नेक्स्ट बुरगल को एक चार स्पून लेना है और उसको पानी में भिगा के रखना है। एक 10 मिनट भिगा के रखना है। यहाँ पे मैं कप में बुरगल जो आपको अभी बताया था उसको यहाँ पे मैंने ले लिया है, तकरीबन एक चार स्पून, और इसको पानी से भिगा के रख लेना है। यहाँ पे पानी में मैंने भिगा लिया है। और नेक्स्ट पार्सली जो हमने कट किया था उसको एक बोल पे ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक बोल पे पार्सली ऐड कर लिया है। और नेक्स्ट मैंने जो टमाटर बताया था, टमाटे को यहाँ पे नाइस कट करना है। टमाटे को नाइस कट कर लेके पार्सली में ऐड कर लेना है। यहाँ पे टमाटर हमारा नाइस कट हो गया है और उसको पार्सली में ऐड कर लिए हैं। नेक्स्ट लेमन स्लाइस कट कर लेना है। और लेमन स्लाइस कट कर लेके उसका जो बीज होता है उसको निकाल कर उसका जूस इस पे ऐड करना है। यहाँ पे जूस ऐड कर लिया है मैंने, देख सकते हैं। नेक्स्ट स्वाद के अनुसार यहाँ पे सॉल्ट ऐड करना है। जितना ज़रूरत उतना यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर लेंगे। और नेक्स्ट ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल यहाँ पे ऐड करना है। एक छोटा स्पून पे एक स्पून मैंने ऐड किया है लगभग। और बुरगल जो मैंने भिगा के रखा था उसका पानी अच्छा निकाल कर यहाँ पे ऐड करना है। पानी के साथ ना डालें, पानी को अच्छा निकाल के यहाँ पे ऐड करना है। ऐड कर लेने के बाद में इसको स्पून से अच्छा मिक्स कर लेंगे। स्पून से अच्छा मिक्स कर लेने के बाद में इसको और एक प्लेट पे शिफ्ट करना है। एक प्लेट पे शिफ्ट करना है। शिफ्ट कर लेने के बाद में उसके ऊपर डेकोरेट करना है। यहाँ पे अच्छा मिक्स हो गया है, देख सकते हैं आप। अब इसको अनदर प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे शिफ्ट कर लिए हैं। अब इसके ऊपर पोमोग्रेनेट सीड, वालनट,
चेरी टमाटो डेकोरेट करना है। बस डेकोरेट करने के बाद में हमारा सलाद बिल्कुल रेडी हो जाएगा खाने के लिए। अब यहाँ पे पोमोग्रेनेट सीड्स ऐड कर लिए हैं, वालनट भी छोटा छोटा पीस करके ऐड कर लिए हैं, ऊपर डेकोरेट कर लिए हैं, और नेक्स्ट चेरी टमाटो कट कर लेके यहाँ पे ऐड कर लेंगे। एकदम शानदार बढ़िया सा सलाडा है ये, ज़बरदस्त टेस्टी होता है ये, देख सकते हैं एकदम कैसा लुकिंग है और दिखने को कितना शानदार अच्छा लग रहा है। अब हमारा सलाद बिल्कुल रेडी है खाने के लिए।